हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लाया हूँ कि रेनडियर को आप कैसे उड़ा सकते हो, जैसे सेंटा उड़ाता है इस हिरण को। तो इसी में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे सिंपल वे में कैसे उसको उड़ा सकते हो और कैसे आपको उड़ाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा अच्छे से। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने स्नोई विलेज पे। अगर आपको जल्दी चाहिए ये फ्लाइंग रेनडियर, तो आपको पहले जाना पड़ेगा स्नोई विलेज पे। मैंने लोकेशन बता दी है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कासल में आ जाना है, जो स्नोइंग विलेज के बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ पे बहुत एनिमीज भी होते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे पहले लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लड़ाई लड़ चुका हूँ। और यहाँ पे जो ये बैल दिख रही है, इस बैल के पास आते ही यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रही होगी, यानी कि 19 सेकंड के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद मैं उस घंटे को बजाऊंगा, तो फिर फ्लाइंग रेनडियर आएगा, जैसे क्रिसमस पे आता है सेंटा फिल्मों में। तो देखते हैं कितना टाइम बचा है इसमें, और देखते हैं कितना है। अब 4 सेकेंड और बचे हैं, बस 4 सेकेंड के बाद मैं, और ये हो गया शायद। हाँ, अभी रिंग के बैल पर मैं दबा दूंगा और ये यहाँ पर मैं चढ़ गया और ये आ चुका है हमारा फ्लाइंग रेनडियर। तो आपको जल्दी से जल्दी अगर फ्लाइंग रेनडियर चाहिए तो यहाँ पे आपको आ जाना है स्नोइंग विलेज पे और ये घंटा बजाना है और इसको आप उड़ा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। और दोस्तों हाँ, एक बात और बताऊँगा, अगर आप सोलो में खेल रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका है स्नोइंग विलेज पे आके इसे बैल से दबा के इसे बुला लेना फ्लाइंग रेनडियर को। और अगर दोस्तों आपसे पहले ही कोई फ्लाइंग रेनडियर को उड़ा के ले जाता है, तो आपको घबराने की बात नहीं। यहीं पे स्नोइंग विलेज में आपको क्रिसमस ट्री के पास आपको कार्ट मिलेगी जिसपे गिफ्ट होते हैं, और यहाँ पे क्रिसमस ट्री के पास ही आपको रेनडियर भी मिल जाएंगे, यानी कि घोड़े भी मिल जाएंगे और एक कार्ट भी मिल जाएगी। बस आपको उन दोनों को जोड़ना है और फ्लाइंग रेनडियर बना लेना है। वो कैसे आपको जोड़ना है वो मैं आपको बताऊँगा आगे। और आप दूसरा फ्लाइंग रेनडियर और कहाँ से ले सकते हैं, जो ये मार्क मैंने लगा रखे हैं क्रिसमस ट्री की तरह जो दिख रहे हैं, स्नोई हैमलेट, यहाँ पे आपको उतर जाना है। और मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ एक स्नोई हैमलेट पे, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिलता है रेनडियर। तो मुझे यहाँ इस स्नोई हैमलेट पे मुझे मिला है रेनडियर, यानी कि घोड़ा मिला। तो यहाँ पे आपको कभी यहाँ पे कार्ट भी मिल सकती है या कभी घोड़ा भी। और जो तीन जो मैंने आपको मार्क दिखाई थी, लोकेशन दिखाई थी स्नोई हैमलेट की, यहाँ पे आपको या तो कार्ट या तो घोड़ा मिलेगा। बस आपको कार्ट ले लेनी है, और अगर आप सोलो में खेल रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा आपको, पर फिर भी मैंने बहुत दिक्कतों के बाद ये वीडियो बनाई है, वो भी सोलो में। दोस्तों अब मैं चेक करता हूँ, शायद एनिमी यहीं कहीं आसपास हो कार्ट के साथ, क्योंकि भाई वो कार्ट तो यहाँ से ले जा सकते। और ये मुझे मिल गया, एनिमी उस कार्ट को ले जा रहा है। तो बस मुझे इसे डैमेज या मारना है सिर्फ, क्योंकि सोलो में खेल रहा हूँ तो मैं इसे मार सकता हूँ। अरे अभी भी नहीं मारा यार, निशाना पता नहीं क्या हो गया आज। और यार मैंने डैमेज कर दिया मैंने कार्ट को, और मुझे लगता है धुआं धुआं हो रही होगी। हाँ, धुआं हो गया। अब मैं पहले उस एनिमी को मारता हूँ। और दोस्तों मैंने उस एनिमी को मार दिया, और मैं अपना जो वो घोड़ा वहाँ से लाया था, तो मैं जो कार्ट डैमेज हो चुकी है उसके पास ला के देखता हूँ, शायद कुछ बन जाए, काम हो जाए। तो मैं घोड़े को आगे की तरफ लगाता हूँ, और दोस्तों उस कार्ट को इस घोड़े के पीछे लाना है आपको। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस कार्ट को उस घोड़े के पीछे लाना है, और जो ये मार्क दिख रहा है अटैच का, इस पर क्लिक करना है आपको। और दोस्तों जैसे मैं क्लिक करूंगा और मेरे फ्लाइंग रेनडियर तैयार हो चुका है, और जो डैमेज कार्ड थी वो भी रिकवर होके बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास आई है। अब इसे उड़ाना कैसे, गो वाले ऑप्शन पे दबाएंगे और मेरा प्लेयर बैठ जाएगा घोड़े पे, और इसे असेंड से ऑप्शन पे दबाना है और ऊपर की तरफ जाएगा हमारा घोड़ा गाड़ी, और इसे ऐसे आप उड़ा सकते हो। और क्योंकि अगर आप इस स्नोई हैमलेट से अगर आप घोड़ा गाड़ी लेना चाहते हो, वो भी सोलो में, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आप डीओ या स्क्वाड में खेल रहे हो तो आपके लिए अच्छे से होगा, क्योंकि एक जना उतर सकता है एक जगह पर, और दूसरी जगह से एक कार्ट लाएगा, एक घोड़ा लाएगा, और उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो डीओ ये और स्क्वाड में। और दोस्तों मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, जैसे मैं उतरा यहाँ पे स्नोई हैमलेट पे सोलो में, तो यहाँ पे मुझे मिला काट, और उससे पहले मिलता तो एक एनिमी आ गया, तो मैं भाई इसे पहले मार लेता हूँ। तो मैंने इसे फटाफट मार लिया, और ये उतर भी नहीं रहा था इसमें, और मैंने इसे मार दिया, और यहाँ पे मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ से मैं काट ले लेता हूँ। और जो नॉर्मल जगह पे जो रेनडियर यानी कि घोड़े मिलते थे, वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। और मैंने ये करके देख चुका हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं इसे ले जाता हूँ और मैंने हर जगह देख लिया, हिरण नहीं मिलता, सिर्फ वो स्नोई हैमलेट और स्नोई विलेज पे मिलेगा। और स्नोई विलेज पे तो बहुत सारे घोड़े मिलते हैं, इसलिए डीओ और स्क्वाड में खेलेगा, क्योंकि सोलो में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर डीओ और स्क्वाड में ये थोड़ा ईजी हो जाता है कि एक जना लाएगा कार्ट, एक जना लाएगा घोड़ा, ताकि आप दोनों को जोड़ के फ्लाइंग डियर बना सको। और जल्दी चाहिए तो स्नोई विलेज से ले सकते हो आप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।